राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो कलर में ये पढ़ने वाला डिज़ाइन बताऊंगी जिसके लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं। और इसके लिए मैंने ये फंदे डाल लिए हैं यहाँ पे, और फंदे डालने के बाद में ये चार सिलाई मैंने बुन ली है। तो आप बॉर्डर बनाएं, बॉर्डर बनाने के बाद में इस सिलाई डिज़ाइन को डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने उल्टा उल्टा दो सिलाई बना ली है, और अब इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बताऊंगी। तो ये हमारी उल्टी सिलाई है, और इसमें जो फंदे हैं वो यहाँ से यहाँ तक पांच फंदे, पांच फंदे, पांच फंदे, पांच फंदे, और दो फंदे और डालेंगे तब डिज़ाइन हमारा बनेगा। तो ये डिज़ाइन बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, जिससे कि जितनी भी आने वाली वीडियो हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बनाना। उसके लिए हम यहाँ पर दूसरा कलर ऐड करेंगे, और दूसरा कलर हम यहाँ उल्टी सिलाई में ऐड करें। ये हमारी उल्टी सिलाई है, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको ऐड करेंगे, और सारे फंदे हम उल्टे बनेंगे। यहाँ पर ऐसे उनको पकड़ लेंगे या ऐसे नॉट लगा लें, और सारे फंदे हम ऐसे उल्टे बनाएंगे। उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई पे हमने एक कलर ऐड किया है, और ऐसे हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे पूरी सिलाई पर। तो ऐसे बुन लेते हैं इस सिलाई को। अब यहाँ सीधी सिलाई है, और सीधी सिलाई को हम पहला फंदा स्लिप करेंगे। स्लिप करने के बाद ऊन अपनी तरफ करके सारे फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे। तो पूरी सिलाई के फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे। तो ऐसे उल्टे बना लेते हैं पहले। तो ये हमारी उल्टी उल्टी सिलाई बन गई है। अब इसकी उल्टी सिलाई है, इसमें डिजाइन बनेगा। तो यहाँ हम पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। ऐसे एक फंदा बुन लिया है, क्योंकि हम दूसरा कलर अब लगाएंगे तो इसलिए एक फंदा बुन लिया है। और यहाँ पे पांच फंदों में हम दो दो बार धागा लपेटेंगे। ऐसे एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच फंदों में धागा ऐसे लपेट लिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर पांच फंदों में धागा लपेटेंगे दो बार, ऐसे एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, एक फंदा स्लिप करेंगे। तो पूरी सिलाई में ऐसे ही हम बनाते हुए जाएंगे। फिर उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक फंदा यहाँ पे स्लिप करेंगे। लास्ट में हमारे ये दो फंदे बचे, इनको हम ऐसे ही बुन लेंगे। और अब इसकी सीधी सिलाई आई है, यहाँ सीधी सिलाई आई है। सीधी सिलाई में पहला फंदा हम स्लिप करेंगे इस तरीके से, एक फंदा बुन लेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, और ये जो फंदे हमने पाँच दो दो बार लपेटे इनको खोलेंगे ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पांच। और पांच फंदे खोलने के बाद ऐसे पांच बार इसमें फंदे बनाएंगे, ऐसे एक, दो, ये तीन फंदे बन गए। फिर लपेटा यहाँ पर चार, और फिर इसी में से एक बार फिर से बुना पांच। तो पांच फंदे से पांच फंदे बनाए, एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर पांच फंदे खोलेंगे ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर पांच फंदों को ऐसे सिलाई पे डालने के बाद पांच फंदे बनाएंगे ऐसे, एक, धागा लपेटा, दो, तीन, चार और पांच। पांच बार बन गए। इसके बाद फिर ये जो फंदा स्लिप किया था इसको स्लिप करेंगे। फिर एक
ये जो है पांच फंदे हैं, इनको खोलेंगे ऐसे और पीछे की साइड से जाते हुए ऐसे पांच बार फंदे बनाएंगे ऐसे। एक बार धागा लपेटा, दो फिर बुना, तीन फिर चार और पांच, एक फंदा स्लिप करें। फिर ऐसे ही इनको भी बनाएंगे, पांच फंदे खोले और पांच फंदों में से पांच फंदे बनाएंगे ऐसे। एक दो तीन चार और पांच, लास्ट में इस फंदे को बुन ले। तो हमारे चार डिजाइन बन गए, एक दो तीन चार। अब इसकी उल्टी सिलाई है जो हम अब ये दूसरा कलर इससे बुनेंगे, तो इससे सारे फंदे बनाएंगे हम। जो फंदे हैं इनको, सब फंदों को हम उल्टा बुनेंगे एक एक करके। जो पांच फंदे बनाए इनको भी हम उल्टा बुनेंगे, तो पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा बुनते हुए, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा बनाएंगे। जो हमने स्लिप किया था उसको भी हम उल्टा बुनेंगे, और जो हमने फंदे बनाए थे पांच में से पांच उनको भी उल्टा बनेंगे। तो पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा बुनते हुए ये सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। अब इसकी सीधी सिलाई है, तो सीधी सिलाई को हम पहला फंदा स्लिप करने के बाद में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। सिलाई सीधी है, फंदे हम उल्टे बनेंगे। तो इस सिलाई को बुन लेते हैं। तो ये हमारी उल्टी सिलाई बन गई है, डिजाइन ऐसे बने बना हुआ है। अब ये डिजाइन बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन इसकी जो जगह है वो चेंज होगी। अब यहाँ पे बनेगा, पांच फंदों में यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इसकी उल्टी सिलाई है और यहाँ पे हम इस कलर से बनाएंगे, तो तीन फंदे हम बुनेंगे ऐसे उल्टे। फिर यहाँ इस फंदे को स्लिप करेंगे और अब पांच फंदों में हम धागा लपेटेंगे दो बार ऐसे, एक दो तीन चार पांच, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर पांच फंदों में धागा लपेटेंगे ऐसे, एक दो तीन चार पांच, और एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर से पांच फंदों में धागा लपेटेंगे, एक दो तीन चार पांच, एक फंदा स्लिप करेंगे। और लास्ट में यहाँ हमारे पास पांच फंदे बचे हैं, तो इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे क्योंकि यहाँ हमारा डिजाइन नहीं बन पाया। पांच फंदों का डिजाइन है इसलिए यहाँ पे हमारे एक फंदा कम है यहाँ पे, तो डिजाइन नहीं बन पाएगा, तो इसलिए इसको हमने उल्टा बुन लिया है यहाँ पे। और अब पहला फंदा स्लिप करने के बाद में ये जो फंदे हैं इसको हम सीधा बुन लेंगे, इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे और पांच फंदों को खोलेंगे ऐसे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदों को पीछे से ले जाते हुए ऐसे पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार और पांच, इस फंदे को स्लिप करेंगे। फिर पांच फंदों को खोलेंगे और फिर पांच फंदों में से पांच फंदे बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन चार पांच, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। इसी तरीके से इसको भी बनाएंगे, इन पांच फंदों में से पांच फंदे बनाएंगे, फिर एक दो तीन चार और पांच, एक फंदा स्लिप करेंगे। और ये जो तीन फंदे हैं ना इनको हम सीधा,
तो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ से ये चेंज हो गया है। डिज़ाइन वैसे ही बना है लेकिन यहाँ चेंज हो गया, जगह चेंज हो गई है। अब इसकी उल्टी सिलाई है तो हम उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। ये दूसरा कलर है ना, इससे बनाएंगे, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। एक एक फंदा जो हमने स्लिप किया था उसको भी बुनेंगे और जो 5 फंदे में से बनाए थे उसको भी बुनेंगे। तो सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए ये सिलाई हम उल्टी कंप्लीट करेंगे। तो इसको बना लेते हैं हम। अब इसकी सीधी सिलाई है, सीधी सिलाई को हम पहला फंदा स्लिप करने के बाद में सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। सीधी सिलाई है, फंदे हम उल्टे निकालेंगे। उल्टे बुनते हुए ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो इसको बुन लेते हैं पहले। तो डिजाइन एक और बना दिया, इसमें ऐसे डिजाइन देखेगा, बहुत सुंदर सा डिजाइन है। और इसे आप किसी भी स्वेटर में डालें, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बेबी स्वेटर, बेबी फ्रॉक, किसी में भी इसे आप डाल के बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा ये डिजाइन है और ऐसे छोटे छोटे से इसमें फ्लावर्स से बन जाते हैं। दो दो सिलाइयों का डिजाइन है, दो एक कलर की है, दो एक कलर की है, इस तरीके से बहुत खूबसूरत सा डिजाइन है। और आपको ये डिजाइन कैसा लगा और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।